हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मशीन ड्राइंग। यानी मशीन ड्राइंग में जितने भी अभी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनका मैंने एक डायग्राम यहाँ पर शो किया है, जैसे बियरिंग, गियर्स हो गया, पुलीज हो गया, यहाँ पर डिटेल्स से असेंबली ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स के हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है हमारे पास मटेरियल ऑफ बुश यूज्ड इन बुश बियरिंग। यानी बुश बियरिंग में जो हम बुश का इस्तेमाल करते हैं उसका मटेरियल क्या होता है। तो आप यहाँ पर अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुश लगा हुआ है। देखिए ये देखिए, ये बुश है यहाँ पर, जहाँ पर ये एरो दिख रहा है आपको बुश। तो ये बुश, तो इसका मटेरियल आपको बताना है कि बुश का मटेरियल क्या होता है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है ए इज कॉपर, बी ब्रास, सी निकल, सी स्टील एंड डी निकल। तो इसका आंसर है हमारे पास बी ब्रास। तो ब्रास का हम यूज करते हैं बुश इन बुश बियरिंग। इसको आप ब्रास और गन मेटल भी बोल सकते हैं, गन मेटल का भी हम इस्तेमाल करते हैं बुश को। ये हो गया हमारे पास मटेरियल ऑफ बुश यूज इन बुश बियरिंग, ब्रास और गन मेटल। अब आप देखिए, सेकंड जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, बियरिंग विच इज यूज फॉर होल्ड वर्टिकल शाफ्ट। यानी वर्टिकल शाफ्ट को होल्ड करने के लिए कौन सी बियरिंग का यूज किया जाता है। वर्टिकल शाफ्ट कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, इस प्रकार से ये हमारे पास है। ये देखिए, ये हमारे पास है कोई वर्टिकल शाफ्ट। अब इस वर्टिकल शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हम कौन सी बियरिंग का यूज करते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास बुश बियरिंग, बी ऑप्शन है फुट स्टेप बियरिंग, सी सॉलिड बियरिंग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग जो होती है वो यूज होती है होल्ड वर्टिकल शाफ्ट। यानी बियरिंग जो कि वर्टिकल शाफ्ट को होल्ड करती है उसका नाम है फुट स्टेप बियरिंग। इसकी ड्राइंग भी हमने बनाए हैं, आप लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द पुलीज आर प्रोवाइडेड विद ग्रूव्स ऑन द रिम। यानी ऐसी पुलीज जिसके रिम पर ग्रूव्स कटे हों। ग्रूव्स का अर्थ है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे ग्रूव्स कटे हों उसके रिम पर। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास रिम। इसी प्रकार नीचे भी ग्रूव्स कटे होंगे और इन ग्रूव्स में बेल्ट लगी होगी। क्या लगी होगी? बेल्ट लगी होगी। तो इसको आप, इस पुली को आप क्या कहेंगे, ये है हमारे पास क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज कास्ट आयरन पुली, बी इज बेल्ट पुली, सी इज स्टेप्ड पुली या डी फास्ट एंड लूज पुली। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी पुली जिस पर ग्रूव कटे होते हैं रिम पर उसे हम कहते हैं वी बेल्ट पुली। द पुली इज नोन एज वी बेल्ट पुली। अब आप देखिए हमारे पास फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पुली आल्सो नोन एज कोन पुली। यानी ऐसी पुली जिसको आप कोन पुली भी कहते हैं, कोन पुली। अब मैं आपको बता दूं कोन पुली कैसे दिखती है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से इसको इस प्रकार से शो कर देता हूँ, फ्री हैंड में यहाँ पर डायग्राम शो कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती हैं, पुलीज लगती हैं। इस प्रकार से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये है यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको सेक्शन में देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी पुली है। तो मैं आपको बता दूं, ये पुली हमारे पास है स्टेप्ड पुली। ये कौन सी पुली है? तो कोन पुली को ही हम क्या कहते हैं, स्टेप्ड पुली कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेप्ड पुली। अब आप देखिए यहाँ पे फिफ्थ जो हमारे पास है, द की विच इज यूज्ड इन फास्ट एंड लूज पुली। यानी फास्ट और लूज पुली में हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है ए रेक्टेंगुलर, बी राउंड, सी जिब हेड की या डी वुडरफ की। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सी जिब हेड की। कौन सी की? जिब हेड की। इसका फ्रंट व्यू आप यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ऐसे, ये जो की होती है जिब हेड की कहलाती है ऐसे में। तो ये आपने देखिए फास्ट एंड लूज पुली में। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्वाइंट इट इज यूज टू कैरी स्टीम एट हाई प्रेशर। यानी ऐसा जॉइंट जो कि स्टीम को, जिसे आप भाप कहते हैं, उसको कैरी करता है एट हाई प्रेशर, तो कौन सा जॉइंट होता है। ए ऑप्शन इज यूनियन जॉइंट, बी ऑप्शन इज पाइगोट जॉइंट, सी ऑप्शन इज कास्ट आयरन फ्लैंज जॉइंट एंड डी ऑप्शन इज एक्सपेंशन जॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपेंशन जॉइंट इज द जॉइंट विच इज यूज टू कैरी हाई स्टीम एट हाई प्रेशर। यानी
एक्सपेंशन जॉइंट ही ऐसा जॉइंट है जो कैरी करता है स्टीम को एट हाई प्रेशर। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं ये भी आप लिंक में नीचे देख सकते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की वीडियो को। अब आप देखिए सेवंथ है हमारे पास, नेम द पाइप फिटिंग एज शोन इन फिगर, यानी इस फिगर में कौन सी पाइप फिटिंग है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इज बैंड, ऑप्शन बी इज एल्बो, ऑप्शन सी इज टी एंड ऑप्शन डी इज क्रॉस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंड, यहाँ पर ये बैंड नहीं है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना ही ये टी शेप में है, ना ही ये कोई क्रॉस शेप में है इस प्रकार से, ना ही ये कोई बैंड को शो कर रहा है। ये है एल्बो, ये फिगर है हमारे पास एल्बो का, ये फिगर है एल्बो का। तो मैं यहाँ पर एल्बो पे क्लिक करता हूँ, एल्बो इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें, इट इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूड और गैस, यानी ऐसी डिवाइस जिसका यूज हम लीकेज को रोकने के लिए करते हैं एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ रॉड, और रॉड का भी फ्री मूवमेंट होता रहे। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इज क्रॉस हेड, ऑप्शन ए इज क्रॉस हेड, ऑप्शन बी इज स्टफिंग बॉक्स, ऑप्शन सी इज एसेंट्रिक एंड ऑप्शन डी इज ब्लो ऑफ कॉक। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा बी, स्टफलिंग बॉक्स। इसका आंसर आएगा स्टफलिंग बॉक्स। क्या आएगा? स्टफलिंग बॉक्स ऐसा डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ फ्लूड और गैस को, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नाइन है हमारे पास क्वेश्चन, इट इज यूज टू रिमूव मड फ्रॉम बॉयलर्स, यानी इसका यूज हम करते हैं मड, यानी जो मड होता है जिसको आप कह सकते हैं कीचड़ टाइप का, आप इसे कहते हैं मड, जो कि अच्छा नहीं होता है किसी भी मशीन के लिए। तो इसका यूज हम करते हैं बॉयलर में, इसका यूज ऐसी डिवाइस जिसका यूज हम कर रहे हैं मड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम बॉयलर्स, बॉयलर से। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, इसका डायग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस कहलाती है ब्लो ऑफ कॉक, द डिवाइस इज नोन एज ब्लो ऑफ कॉक, जिसका यूज हम करते हैं रिमूव मड फ्रॉम द बॉयलर्स। अब आप देखिए हमारे पास टेंथ है, इट इज यूज टू कनेक्ट शाफ्ट विद पिस्टन, यानी इसका यूज हम करते हैं क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ने के लिए। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ए ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड, बी ऑप्शन इज एसेंट्रिक, सी ऑप्शन इज क्रॉस हेड एंड ऑप्शन डी इज स्टॉप वॉल्व। तो मैं आपको बता दूं कनेक्टिंग रॉड इसका सही आंसर है, जिसका यूज हम करते हैं क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेंथ का आंसर, इसका आप पढ़ेंगे आईसी इंजन्स में इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11th इज दैट इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ लेथ मशीन एज शोन इन फिगर, यानी जो आपको ये पार्ट दिख रहा है फिगर में इसका यूज हम करते हैं लेथ मशीन में। तो क्या ये प्लम्बर ब्लॉक है, क्या ये टेल स्टॉक है, क्या ये कनेक्टिंग रॉड है, या ये मशीन वाइज? तो ये हमारे पास है टेल स्टॉक, ये क्या है टेल स्टॉक है, ये क्या है टेल स्टॉक, ये आपने देखा होगा लेथ मशीन पर लगा हुआ, तो ये है टेल स्टॉक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, यानी इसका उपयोग हम हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में करते हैं। तो ऑप्शन है स्क्रू जैक, प्लम्बर ब्लॉक, टेल हेड, टेल स्टॉक एंड क्रॉस हेड। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा स्क्रू जैक, क्योंकि स्क्रू जैक का ही हम यूज करते हैं फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड, हैवी लोड्स को उठाने में। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में स्क्रू जैक का यूज करते हैं, जो क्या कह रहे हैं आप स्मॉल एफर्ट से हैवी लोड को उठा सकें। 13 है हमारे पास, गियर्स आर यूज टू ट्रांसफर पावर बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, यानी इसमें जो शाफ्ट होती हैं उनमें पावर तभी ट्रांसमिट होती है जब वो इंटरसेक्ट करते हैं गियर्स। तो ऐसे कौन से गियर हैं, ए स्पर गियर्स, बी बेवल गियर्स, सी रैक एंड पिनियन गियर, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऐसे गियर जिनमें पावर ट्रांसमिट होती है बाय इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, तो एस का ऑप्शन जो होगा हमारे पास होगा बी बेवल गियर्स, बेवल गियर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इट इज द हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल, यानी पिच सर्कल से अबव जो हाइट होती है गियर के टूथ की उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गियर का टूथ इस प्रकार से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास कोई गियर का टूथ आप मान लीजिए और ये हमारे पास पिच सर्कल है, ये है पिच सर्कल। तो वो कह रहा है जो हाइट अबव होती है पिच सर्कल से इसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, इसको आप कहेंगे अडेंडम, इसको क्या कहेंगे अडेंडम, ये होता है अडेंडम। तो इसका सही आंसर आएगा
अटेंडर हमारे पास। अब आप देखिए 15 से जो है हमारे पास है लास्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास वो है इट इज यूज टू होल्ड एंड पोजिशन द वर्क पीस, यानी इसका उपयोग हम होल्ड किसी भी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए और उसे पोजिशन देने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इज जिग, ऑप्शन बी इज फिक्स्चर, ऑप्शन सी इज मशीन वाइज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑल ऑफ द अबव, द ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। जिग का प्रयोग भी हम होल्ड करने के लिए करते हैं वर्क पीस को, फिक्स्चर का भी और मशीन वाइज का भी, और इनको पोजिशनिंग भी दे देते हैं। तो ये होगा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और मशीन ड्राइंग की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हमने मशीन ड्राइंग पर बनाई हुई हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।